नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक माया नाज शख्सियत के मालिक मारिया नादिर हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम जानेंगे फेस्टिवल का इनकाद में बहुत बड़ा रोल इनका, तो सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और इस इवेंट के इनकाद पे आप हमारे यूथ को क्या पैगाम देना चाहती हो कि ऐसे इवेंट्स के हवाले से या लिटरेचर के हवाले से कि वो लोग इसमें आके पार्टिसिपेट करें और कुछ ना कुछ या सीख के जाए? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप लोग आए और आप लोग हमारा मीडिया पार्टनर बने। एंड के लिए पैगाम ये है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम ये गिला ये शिकायत करते रहते हैं कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है, मतलब हम सिर्फ बैठे रहते हैं कि हमारे लिए कुछ किया जाए तब हम कुछ करते हैं। प्लेटफॉर्म्स के लिए इंतज़ार करने की बजाय अगर हम खुद कुछ करें अपने आप से, एफर्ट थोड़ा सा अपनी तरफ से डाल दें, फिर सोसाइटी में चेंज खुद बहुत आ जाएगा। जो एक यूथ का जो एक रोल है, कंट्रीब्यूशन है, उसमें अदा कर ले। प्लेटफॉर्म्स के इंतज़ार में बैठेंगे तो फिर सालों लग जाएंगे, सदियों लग जाएंगे। अगर करना है तो आज उठ जाइए, अपने आवाज़ के लिए, अपने हक के लिए लोगों को एक ट्रैक फैलाए जो आपका कंट्रीब्यूशन, मेन कंट्रीब्यूशन बनता है सोसाइटी में, उस पर काम कर ले। चाहे वो लिटरेचर हो, जितने भी पॉजिटिव एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है, सब में लोगों को प्रमोट कर ले। चूँकि एक जनरेशन गैप भी आ गया है, मतलब हमारे और हमारे बड़ों के साथ, फिर न्यू जनरेशन भी आ रहे हैं, तो हम जो है एक ब्रिजिंग किरदार अदा कर रहे हैं, एक फुल का किरदार अदा कर रहे हैं। तो जब हम खुद कंट्रीब्यूट अच्छा करेंगे तो हमारे जो आने वाले जनरेशन होंगे इनके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा। और तो कुछ नहीं, एटलीस्ट वो लिटरेचर के हवाले से चीज़ों को तो जान जाएगा कि हमारे लिटरेचर में है क्या क्या, ताकि हमारी शिनाख्त बरकरार रहे। बहुत से लोगों को देखा है वो यूथ के लिए, आवाम के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि आपको इन सब से क्या मिल रहा है? अच्छा, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी बात है, चूँकि कहीं तक पॉइंट यही आ जाता है कि जब मैंने पूरा तालीम कंप्लीट किया, कुछ किया, मतलब लाइक इफ़ यू आर कमिंग ऑन द ट्रैक, सवाल यही पे आ जाता है कि आपने क्या किया है लोगों के लिए। एक सेटिस्फेक्शन यही होती है कि एटलीस्ट आई हैव प्लेड माई रोल, मैंने अपना किरदार अदा कर लिया है, जो मेरा पार्ट है मैंने वो अपना पार्ट दे दिया है। तो बाकी इट्स अप टू द पीपल, हाउ द पीपल आर मतलब लोग आपको किस तरह से परसीव करते हैं। हाँ, आप अपनी तरफ से एफर्ट देते हो। और दूसरी बात कि जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, अगर वो इस चीज़ को समझते हैं, वो हमें इतना मोटिवेट करते हैं एंड उनकी मोटिवेशन से हमें एक एनर्जी मिलती है, हम बूस्टअप होते हैं कि हाँ ठीक है, इतनी एक्टिविटीज़ अगर हम कर रहे हैं सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, बेशक चेंज जल्दी से आसानी से तो नहीं होगा, टाइम लगेगा चेंज आने में, लेकिन करेंगे, कंटिन्यू रखना चाहिए। अब हम अगर 5 साल से कंटिन्यू सब अगर ये करें तो फिर जो आने वाला जनरेशन होगा शायद उनके लिए ज़्यादा एफर्ट करने के लिए भी रिक्वायर्ड नहीं होगा, जिस तरह से हम खुद सफ़र हो रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।